हाँ तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना जनरल सेंसिटिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, जिससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें आपका ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आते हैं गाइस, सबसे पहले टॉपिक है कि आप अपना जनरल सेंसिटिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, वो भी बिना यूज किए DPI। हाँ गाइस, आप लोग जिस तरह देख चुके होंगे थंबनेल की, मैंने वहाँ बताया कि DPI को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि यार मुझे पता है DPI यूज़ करने के बाद आपके फ़ोन की लाइफ जो होती है वो आधे से भी कम हो जाती है। मतलब अभी आपका फ़ोन 2 साल और चलता तो वो 1 साल तो दूर भाई लोग, वो 7 से 8 महीने भी ठीक से वर्क नहीं करने वाला है। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपका मोबाइल अभी थोड़ा लो रैम का है मेरे जैसा, जैसे 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB भी है, तो प्लीज़ आप DPI यूज मत करो। मैं जो आपको उससे ट्रिक बता रहा हूँ वो भी काफ़ी अच्छा ट्रिक है, इसे यूज करोगे तो आपका सेंसिटिविटी भी काफ़ी तगड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं पाउडर के बारे में, जो एक जेन्युइन ट्रिक है जो सभी बंदों को पता है, यानी मैक्सिमम बंदों को पता है। एक मेन ट्रिक है वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसके पहले ये मैं कुछ पाउडर का जो कन्फ्यूजन वो मैं क्लियर कर देता हूँ। काफ़ी बंदे पाउडर तो यूज करते पर उनका भी मैटर थोड़ा गलत होता है। काफ़ी बंदे जो एक उनका डब्बा होता है वो डायरेक्ट गिरा देते हैं, पाउडर जो होता है मोबाइल पे गिरा देते हैं, जिसके कारण एक जगह ज़्यादा पाउडर गिर जाता है, जिसके कारण मोबाइल पे बहुत सारा दाग हो जाता है। फिर पाउडर और भी देते होगे तो आपका सेंसिटिविटी, मतलब आपका जनरल सेंसिटिविटी इंक्रीज़ नहीं होता होगा। उसका एक नॉर्मल ट्रिक है भाई लोग, कि आपको एक पाउडर पप मिलता होगा जिसका फ़ोटो आप लोग स्क्रीन पर देख भी सकते हो, जो मैक्सिमम घर में होता ही है। तो आप उसे लो, एक डब्बा में डालो, उस डब्बा में पाउडर, मतलब ये पाउडर पफ होता है, उसे उसमें डालो, फिर वो पाउडर पफ से ही अपना मोबाइल के कॉर्नर में डालो, मतलब डाउन कॉर्नर, यानी लेफ्ट और राइट के डाउन कॉर्नर में, जहाँ से आप सारा स्प्रिंट फायर बटन यूज करते हो वहाँ पे डालो। वो भी थोड़ा थोड़ा ऐसा, यार पूरा मत डाला करो, इससे भी आपका जनरल सेंसिटिविटी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है। ये भी एक जेन्युइन ट्रिक है। और आते यार सबसे पहले जो मेन ट्रिक है, जिसके कारण आपका यह पाउडर से भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है, पाउडर भी इनके सामने थोड़ा सा फीका पड़ जाता है, यार तेल। हाँ भाई लोग, एक आप लोग रहो यार ये क्या कुछ भी बोल रहा है, हाँ मैं बहुत सही बोल रहा हूँ यार। उसका भी एक तरीका यार, आप लोग हर एक तरीके से यूज़ करोगे तो सब कुछ अच्छा लगेगा। आप लोग यार ये तेल को भी यूज़ करोगे आपका नहीं बढ़ेगा, उसे भी एक तरीके से यूज करना पड़ता है, जो मैं आपको अभी बताऊँगा। सबसे पहले करना है क्या, 1 से 2 ड्रॉप आप मोबाइल में अपना ऑयल डालो, मतलब आप हाथ से भी डाल सकते हो, पर 1 से 2 ड्रॉप एक साइड में, मतलब जहाँ से आप ज़्यादा स्प्रिंट फायर बटन, जहाँ आपका बटन जहाँ यूज करते हो वहाँ पे 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप से बिल्कुल भी ज़्यादा मत डालना यार। 1 से 2 ड्रॉप डालोगे, उसको थोड़ा सा स्लाइड 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 कर देना, मतलब थोड़ा सा तरफ पसार देना, जो नॉर्मल भाषा है मैं उसमें आपको बता देता हूँ। तो उससे होगा क्या यार, कि आपका दिन भर यार आपको, मतलब ऐसा नहीं होगा कि पाउडर की तरह 1 मैच 2 मैच के बाद फिर आपको पाउडर लगाओ, फिर पाउडर लगाओ, ऐसा नहीं होगा। ये यूज करोगे तो आपका दिन भर यूज होगा, जो एक काफ़ी तगड़ा तरीका है। काफ़ी बंदों का पाउडर के बारे में ही पता रहता होगा, ये तरीका मैं बता रहा हूँ, हो सके तो सिर्फ एक बार ये तरीका आप यूज़ कर लोगे तो मुझे पता है या आपका भी खुश हो जाएगा, क्योंकि ये तरीका मैं भी यूज़ कर रहा हूँ और मुझे पता है कि कितना ज़्यादा फ़ायदा करता है। मैं पहले बिना पाउडर और तेल का भी यूज़ करता था, फिर पाउडर का यूज़ किया, उसके बाद मैंने तेल पे आया, तो मुझे सारा अंतर पता है कि किसमें ज़्यादा फ़ायदा है, किसमें कम फ़ायदा है। मुझे पता है काफ़ी बंदों को इसमें अजीब लग रहा होगा, पर अभी भी बोल रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक देना, आपका हर एक कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूंगा। तो यार ये जो आपको तेल मैंने बताया वो यूज करना, उसके बाद मुझे पता है 1, 2, 3, 4 GB तक में भी काफ़ी ज़्यादा लैग करता है फ्री फायर, उसका भी मैंने कुछ ट्रिक बता कर रखा है। जिस तरह आपका पिंग प्रॉब्लम होता है या लैग होता है, तो एक प्रीवियस वीडियो ही मैंने बनाया है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर एक बार चेकआउट कर लेना उस वीडियो, यार वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, इसलिए हो सके तो प्लीज़ ये वीडियो के बाद वो वीडियो ज़रूर देख लेना, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मुझे आपको बहुत कुछ बताना था, अभी भी वीडियो को लास्ट तक देखना। और काफ़ी क्यों ID बैन होता है बंदों का, क्यों नहीं होता यार, वो वीडियो मतलब यार आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो छोटा सा वीडियो आपके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, जो 1 घंटे में लोग नहीं समझा पाएंगे, वो 6 मिनट 7 मिनट का वीडियो है, वो वीडियो आप लोग एक बार जाकर देख लोगे यार। मैं बता रहा हूँ, आपको पसंद नहीं आया तो यार आप दोनों वीडियो को जाकर डिसलाइक कर देना, वो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा कराने वाला है, यही मैं आपको बताना चाहूँगा। बस मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचूँगा, आपको जो बताना था मैं बता दिया। मैं अभी भी बोलूँगा यार आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है, उस वीडियो को एक बार ज़रूर जाकर देख लेना।
और गाइस आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने इंपॉर्टेंट लाइफ में से इंपॉर्टेंट टाइम में यार आप मेरा ये वीडियो देख ले, उसके मैं आपको लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ या थैंक यू बोलता हूँ। और हो सके इस वीडियो को लाइक कर ही देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब चीज़ मैं आपको बताते रहूँगा। और वीडियो कैसा लगा दिए कॉमेंट कर ही देना और अपने फ्रेंड सबको ये वीडियो शेयर कर देना कि वो भी थोड़ा सा अवेयर हो जाए। तो टाटा गाइस, बाय बाय।